अच्छा ये बताइए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, तो कैसा पर्व मनाने वाले हैं आप? बहुत बढ़िया करके हम पर्व मनाने वाले हैं, जिसको कोई कह नहीं सकते, अपने मन और तन और धन से समर्पण करने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर माननीय मोदी और योगी जी के द्वारा प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज लगाया गया। और शाहजहानपुर की जनता वाकई बधाई के पात्र है कि उन्होंने दिखा दिया कि हम वाकई में राम के हैं और सब राम के हैं। अच्छा ये बताइए, शाहजहानपुर के लोग 22 तारीख को कैसे खास बनाने वाले हैं? शाहजहानपुर के लोग 22 तारीख को बहुत ही खास बनाने वाले हैं, क्योंकि शाहजहानपुर सारे मंदिरों में प्रसाद वितरण, कुछ में जो है अखंड रामायण, और सारे मंदिरों में झालर व्यवस्था डाली जाएगी और प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। शाहजहानपुर को 21 से और 22 तक इतना अद्भुत और भव्य बनाया जा रहा है कि सनातन जनता बिल्कुल सड़क पर पलक बिछाए हुए दौड़ रही है, उसमें जो उमंग है वो देखने वाली है। क्या करने वाले हैं 22 तारीख को आप? सरकार ने तो अवकाश घोषित किया है, छुट्टी मनाएंगे या त्योहार? अरे त्योहार मनाएंगे बिल्कुल एकदम। कैसे मनाएंगे त्योहार? बहुत धूमधाम से दीपक जलाएंगे और बिल्कुल पूजा कर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अपने खुशियां मनाएंगे, मिठाई पकवान बनाएंगे, खाएंगे, और दीपावली जो मनाई उससे भव्य महादीपावली हम लोग मनाएंगे। अच्छा, इतनी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, अंदर से उत्साहित इतना हो रहा है कि कह नहीं सकते आपसे, बस हमारे प्रभु जी विराजमान हो जाए, सबसे बस यही सबसे खुशी वाली बात है। पूरा शहर ही मिलकर के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन को यादगार बनाना चाहता है और लगातार उसके क्रम में कार्यक्रम हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन जो हुए हमारे बहुत ही यादगार हुए, बहुत भव्य भीड़ हुई। उसके बाद जो बाइक रैली हुई वो भी एक देखने रैली थी, शायद ही ऐसी रैली शहर में हुई हो। उसके बाद एक कलश यात्रा हुई महिलाओं की, इतनी अच्छी कलश यात्रा शाहजहांपुर में राम जी के नाम पे ही हो सकती थी, राम जी की आस्था में ही हो सकती थी। और आज की कार्यक्रम भी आपने देखा होगा, बहुत ही भव्य रैली रही है, पूरा शहर राम में हो गया है। और एक अयोध्या वहाँ पर है तो दूसरी अयोध्या यहाँ बनने जा रही है। राम जी के भक्त यहाँ भी सब उतने ही जोश के साथ हैं, पूरा शहर राम में हो चुका है। आज ये समय हमारे बहुत वर्षों के प्रयत्न के बाद आया है, इसको हम इतने हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं कि विश्व भी देखे कि हमारा राम मंदिर जो है, ये भगवान राम हमारे जो प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद हम कर रहे हैं, उनके प्रांगण में उनको पहुंचा रहे हैं। तो हमने अपने स्तर से ये तैयारियां करी हैं कि हमने अपने क्षेत्र में समस्त घरों को भगवा ध्वजों से सुसज्जित किया है। उसके साथ साथ हर घर में कम से कम ईश्वर के नाम के 11 दीपक अवश्य जलवाएंगे। उसके साथ हमने पटाखों की व्यवस्था, भंडारे का आयोजन, सुंदरकांड पाठ का, दिवाली बनाने वाले हैं जी, पूर्ण रूप से। दिवाली नहीं, दिवाली से बड़ा उत्सव मनेगा आपकी। जैसे आप लोग दिवाली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मनाएगा, कम से कम 51 दीपक जलाएगा, घर पे झालर लगाइए, पटाखे जलाइए और जितने उत्साह से मना सकते हैं उत्सव को। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन आ रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि जीवन सफल हो गया है, इतना इंतजार किया गया है और आज वो दिन हम लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। शाहजहांपुर की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जितना खुशी से मना सके इस पर्व को मनाइए, जैसे आप दिवाली मनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मनाइए, और हो सके तो उससे भी और अच्छी तरीके से मनाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी 14 वर्ष के बाद आए तो दिवाली मनाते हैं, और आज राम जी 500 वर्षों बाद आ रहे हैं तो महादीपावली मनाएंगे। जय जय श्री राम। 500 वर्षों की हमारी कठिन तपस्या पूर्ण हुई है, 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को राजा रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। उसी के मध्य हम सभी लोगों ने तय किया है कि अपने साजीपुर महानगर के 18 जो क्या कहते हैं 18 मेन मंदिर हैं उनको लिया गया है, उसमें पूरी दिनचर्या तैयार हुई, किस तरीके से हवन, सुबह हवन होगा और उसके बाद क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर उसके बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ है। हर छोटे से छोटे छोटे जो शहर के मंदिर हैं उनमें LED लगाई जाएगी, जिनमें एक साथ बैठ के सभी लोग क्या कहते हैं देखेंगे, एक साथ बैठ के रामलला का लाइव कार्यक्रम देखेंगे। इसी तरीके से क्या कहते हैं हम लोगों ने हर घर दिए जलाएंगे और पूरा भव्य दिवाली मनाएंगे। ये 500 वर्षों की हमारी कठिन तपस्या पूर्ण हुई है। जय मंदिरों में उत्सव मनाएंगे, आप लोग अपने घर पर क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? हमने अपने घर पर हमने पहले तो अपने घर के लिए दीपावली तो मनानी है, लाइटें हमने निकाल के अभी इधर रख दी हैं, दीपावली मनानी, लेकिन हमने अपने घर के साथ साथ मोहल्लों के साथ इकट्ठा किया। हमने अपने पड़ोस में एक मंदिर है उसमें क्या कहते हैं भंडारा कराने का आयोजन किया है और छोटी LED लगवाई है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो देखा जाएगा, सभी लोग वो कार्यक्रम एक साथ मिलकर देखेंगे। इस तरीके का हमने अपने घरों में भी आयोजन कराया। इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने को है 22 तारीख को, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज 500 वर्षों के बाद हमारा राम युग आया है, भगवान राम हमारे टेंट में रहे, हम अपने मकानों में रहे। आज जो 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, हम सभी लोग राम भक्त दूत सारी सेना लग करके भगवान राम को याद कर रहे हैं, और हम सभी लोग से निवेदन है कि अपने अपने घर पर दीप जलाएं और मोमबत्ती जलाएं, अपने अपने मकानों पर झंडा फहराएं, झालर डाल करके दीपावली जैसा
एक संदेश लगना चाहिए और ऐसा ही इतिहास बनेगा कि ये दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। क्या करने वाले हैं बाबा जी आप 22 तारीख को? 22 तारीख को हम एक सुंदरकांड का पाठ करेंगे अपने मंदिर पर और उसके बाद हवन करके प्रसाद का वितरण करेंगे। कैसा लग रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली? एकदम बढ़िया लग रहा है। जो होना चाहिए, जो सदियों पहले होना चाहिए वो आज हो रहा है। इससे और भी उत्साह वर्धन है सारे हिंदू समाज का और सनातनी लोगों का। आप बताइए मैडम क्या करने वाली है 22 तारीख को, दिन को कैसे खास बनाने वाली? देखिए राम हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके आदर्शों को पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर हम कर तो रहे हैं। उसके बाद ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसके लिए हम एक दीपोत्सव मना रहे हैं गुरुकुल में, जो हमारे गुरुकुल के अंदर ही मनाया जाएगा। आप घर पर क्या कैसी तैयारी करने वाली हैं? जी हमारा गुरुकुल ही हमारा घर है, इसीलिए हम वहीं दीपोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाएंगे। 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन आया है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, कैसा लग रहा है आपको? ये तो सभी हिंदुओं के सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है और हम लोग इसे जितनी क्षमता हो जाएगी पूरी पुरजोर क्षमता के साथ इस पर्व को मनाएंगे और राष्ट्रीय पर्व और ऐतिहासिक पर्व दोनों एक साथ होंगे। लोगों में इतनी खुशी, इतनी जागरूकता हुई है कि आपको बता नहीं सकते। क्या नाम है आपका? आकाश सैनी। और हम सभी लोग जितने भी हैं सब मिलके ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से बनाएंगे। हमारे श्री प्रभु श्री राम जी पधार रहे हैं। 22 तारीख को हम लोग जो है भरपूर, जैसे दीपावली बनाई जाती है उसी तरीके से ये प्रोग्राम और दीपावली मनाएंगे, त्यौहार बनाएंगे। ये बताइए रामदूत विशाल शोभा यात्रा निकाली है, आप लोगों ने किस उद्देश्य से निकाली? आप देख ही रहे हैं पूरे देश में इस समय राममय माहौल चल रहा है और अयोध्या में 22 जनवरी को पूरे देश को पता है कि प्रभु श्री राम लला विराजमान होंगे। तो उसी उद्देश्य से अपना जो शादीपुर महानगर है ये भी भगवामय हो, यहाँ पे भी लगे कि दिवाली है, हम 22 जनवरी को हम लोगों को दिवाली मनानी है, पटाखे जगाएंगे, तो यहाँ पे भी लोगों में एक माहौल बने कि हाँ कि जैसे कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, इसी उद्देश्य से ये रामदूत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शाहजहाँपुर की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि 22 तारीख के पर्व को कैसे मनाएं? वो जो शाहजहाँपुर का समस्त हिंदू जनमानस है उससे हमारा यही आग्रह रहेगा कि 22 तारीख को आप दीपावली मनाएं, घर को स्वच्छ करें। जैसी दीपावली अभी तक हम लोग मनाते आए हैं कि दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण दीपावली है। इसको जितने ढंग से मना सकें, अगर पटाखे जगाते हैं अगर तो 100 गुना ज़्यादा पटाखे जगाएं, क्योंकि इससे बड़ी दिवाली हमारे जीवन में न कभी आई थी और न कभी आ पाएगी। तो मेरा सभी से आग्रह ये है कि दीपावली मनाएं, बड़ी बड़ी दीपावली मनाएं। इतनी वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन आया है, किस इस पर्व को कैसे मनाने वाले हैं आप? इस पर्व को, ये पर्व नहीं है एक तरीके से, ये एक हमें उपहार में साल की दूसरी दिवाली मिली है जो हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे और हमारे जैसे यंगस्टर नई युवा के जो पीढ़ी के लोग हैं वो इसको समय समय तक याद रखेंगे क्योंकि हम आप इतिहास के साक्षकार बनेंगे क्योंकि कलयुग में आपको राम राग देखने दोबारा मिल रहा है। कैसे मनाने वाले भाई इस त्यौहार को? हमारे यहाँ दिवाली नहीं होती है लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को। आप भावुक हो रहे हैं? हाँ, अपनी भावनाएं क्या, आपकी आँख में आंसू आ गए हम देख रहे हैं। 35 साल की लाइफ में कोई दिवाली नहीं मनाई लेकिन पहली बार दिवाली हमारे परिवार में मनाई जाएगी। ऐसा क्या हो गया आपके साथ, मतलब दिवाली नहीं मनाई जाती थी? सब लोग कहते थे दिवाली है लेकिन परिवार को भी नहीं जानी दिवाली क्या होती है। बचपन में मन के अंदर था कि राम मंदिर बनेगा लेकिन ये भी था पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मन की इच्छा हुई है। सुबह सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हम हैं जो राम मंदिर के दर्शन करेंगे और प्रथम बार हमारे यहाँ प्रथा होगी ये दिवाली मनाई जाएगी। देखिए ये बहुत ही भावुक क्षण है, 500 साल के इंतजार के बाद राम जी विराजमान हो रहे हैं। सभी हिंदुओं को बहुत ही दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, अपने घरों में दीपक जलाएं, झालर लगाएं, पटाखे छुड़ाएं और अपने मंदिरों में भी कीर्तन कराएं और भंडारे कराएं। ये बहुत ही गौरव का पल है सभी हिंदुओं के लिए और इसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। आप बताइए 22 तारीख दिनांक को कैसा खास बनाने वाले हैं आप? हर घर में दिवाली मतलब दिया जलना चाहिए, झालर जलनी चाहिए, पटाखे होने चाहिए घर में, हर घर में जागरण एक तरीके LED हर मंदिर में होनी चाहिए, ठीक है, जागरण होना चाहिए। रामलीला किन्नी बाग में हम जलूस में आए हैं, राम जी मेरे दिल में है। 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है तो क्या करेंगे उस दिन आप? हम पूजा पाठ करेंगे राम जी की। कैसे मनाएंगे जो है उस पर्व को? उसको हम चंदन और चूने हल्दी लेप लगाएंगे।